ओके क्लास, नाउ वी हैव टू सॉल्व अ वर्कबुक एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 8. फर्स्ट अंडरलाइन द राइट मीनिंग फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो. आपको इनके वर्ड्स के एग्जैक्ट मीनिंग आने चाहिए. देर आर थ्री ऑप्शंस, वी हैव टू सेलेक्ट वन. फर्स्ट इज इम्पार्ट. इम्पार्ट मीन्स अलहदा हो जाना. देर आर थ्री ऑप्शंस, सेपरेट, शेयर, डिफरेंट. सेपरेट इज अ करेक्ट आंसर. ट्रेयर, खजाना जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा. पॉवर्टी, ज्यूल्स, स्ट्रेंथ. पॉवर्टी गुर्बत को कहते हैं, ज्यूल्स हीरे जवाहरात, और स्ट्रेंथ ताकत को. सो द ज्यूल्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन. मार्वलस कि क्या हमारे पास आंसर्स हैं, वंडरफुल, डेंजरस, अट्रैक्टिव. मार्वलस मीन्स शानदार. वंडरफुल विल बी द करेक्ट ऑप्शन. निग्लेक्टेड, जैसे हम किसी को भी निग्लेक्ट करते हैं. अटेंडेड, तो किसी अटेंड करना, उसको एंटरटेन करना. इग्नोर, केयर्ड फॉर. द करेक्ट ऑप्शन विल बी इग्नोर्ड. कंसील्ड, हिडन, रिवील्ड, अनाउंस्ड. हिडन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, कम ऑन द एक्सरसाइज बी. राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग. राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट हैव द सेम एंडिंग साउंड्स, जिनकी एंडिंग साउंड बिल्कुल सेम होती है. लुक एट द एग्जाम्पल. कैट, मैट, हैट. एंडिंग साउंड एट, एट, एट. चेक द एंडिंग साउंड. एंडिंग साउंड इज सेम, सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड. चेक द सेकेंड एग्जाम्पल. हुक, कुक, बुक. आप इसको फील कर रहे हो, एंडिंग साउंड आपकी बिल्कुल सेम आ रही है. द वर्ड्स दैट हैव द सेम एंडिंग साउंड्स, दे आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स. ओके, सो वी हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज. ट्रेजर, मेजर, प्लेजर. अगर आपके पास और वर्ड्स आते हैं आप वो भी लिख सकते हैं. यू हैव टू राइट राइमिंग वर्ड. राइमिंग वर्ड्स की डेफिनेशन हमने पढ़ ली. द वर्ड्स दैट हैव द सेम एंडिंग साउंड दे आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स. फॉर्म, चार्म, आम. डग, हग, बग. ओके, कम ऑन द एक्सरसाइज नंबर सी. फिल इन द ट्रिपल लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स. IGHURETCH, टेक. ये हमारे पास थ्री लेटर वर्ड्स हैं. हमने इन लेटर्स की मदद से इन फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है, वर्ड्स बनाने हैं. फर्स्ट लाइन आई विल डू फॉर यू, नेक्स्ट यू हैव टू कंप्लीट योर सेल्फ. फर्स्ट इज हेयर. एच, आई जी एच, हाई. एफ आई जी के साथ हमने क्या यूज किया, यू आर ए, फिगर. एम ए टी सी एच, मैच. एस यू आर ए, श्योर. इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज नंबर सी. सो नाउ वी हैव टू सॉल्व द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन. फर्स्ट वी विल नो वट आर द काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. ओके क्लास, नाउन, व्हाट्स अ नाउन? एज यू नो, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन. फॉर एग्जाम्पल, मदिया, लाहौर, जिना पार्क. देर आर डिफरेंट नाउन्स. किसी भी पर्सन का नेम, प्लेस का नाम, थिंग, आइडिया, दैट इज कॉल्ड नाउन. वी देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन, बट नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, दैट कैन बी काउंटेड. फॉर एग्जाम्पल, पेंसिल, पेंसिल्स. कैन पुट अ नंबर बिफोर दैम. हम उनके अगेंस्ट एक नंबर पुट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू पेंसिल्स, थ्री अरेजर्स, फोर शार्पनर्स, लाइक दिस. हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. काउंटेबल नाउन्स की प्लूरल फॉर्म होती है, जस्ट लाइक पेंसिल, पेंसिल्स. शॉप, शॉप्स. टॉय, टॉयज. वी कैन एड एस और ई एस टू देम. सो काउंटेबल आर नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड इजीली. वी कैन पुट अ नंबर बिफोर देम एंड हैव अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. एंड अनकाउंटेबल नाउन्स उसके बरक्स कैंट बी काउंटेड. कैंट पुट अ नंबर बिफोर देम. दे हैव नो प्लूरल फॉर्म. हम अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंट नहीं कर सकते, कोई भी नंबर उनके अगेंस्ट पुट नहीं कर सकते. जस्ट लाइक टू लैम्प्स आर काउंटेबल, बट जो अनकाउंटेबल नाउन है, वी कैन से टू शुगर, टू वाटर.
दे हैव नो प्लूरल फॉर्म, और अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म भी नहीं होती. लुक एट द एग्जाम्पल्स. टू लैम्प्स, दीज आर द काउंटेबल नाउन्स. वी कैन काउंट हाउ मेनी लैम्प्स आर देयर. टू, वी हैव प्लेस्ड अ नंबर बिफोर दैम एंड दीज हैव द प्लूरल फॉर्म एज वेल. वन, पेंसिल. फाइव, टेबल्स. थ्री, रेजर्स. एंड पैरेलल राइट लिट वाटर, सम शुगर, अ लिट वाटर. अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन को, वाटर को क्या हम काउंट कर सकते हैं? शुगर या सॉल्ट को काउंट कर सकते हैं? नो, हम इनको काउंट नहीं कर सकते और इनके अगेंस्ट कोई भी नंबर प्लेस नहीं कर सकते. एंड वी कांट यूज, ओके, ए एन आर नॉट यूज बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन. ऑब्वियसली जब हम काउंटेबल नाउन को काउंट ही नहीं कर सकते जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम ए और एन भी उनके अगेंस्ट, उनसे बिफोर प्लेस नहीं कर सकते. यूज मेयर वर्ड्स टू काउंट द अनकाउंटेबल नाउन्स. हम मेयर वर्ड्स यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इस वन बॉक्स ऑफ सीरियल, टू बार्स ऑफ सोप, वन ग्लास ऑफ मिल्क. देर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स. लुक केयरफुली. वन बॉक्स, टू बार्स, वन ग्लास. अब इन सेंटेंसेस में बॉक्स, बार्स, ग्लास जो हैं वो काउंटेबल नाउन्स हैं, बट इनको हमने एज अ वर्ड, मेजर वर्ड्स के तौर पे यूज किया है अनकाउंटेबल नाउन्स की क्वांटिटी को जानने के लिए. सीरियल, मिल्क, क्या हम इसे काउंट कर सकते हैं? नो, हम इनको काउंट नहीं कर सकते. दीज आर द अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन्स की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए वी हैव यूज दीज वर्ड्स. दीज वर्ड्स आर कॉल्ड मेजर वर्ड्स. वन बॉक्स, टू बार्स, वन ग्लास. सो बेसिकली काउंटेबल नाउन्स दैट कैन be counted easily and we can put a number before them and have a singular form. And uncountable nouns can't be counted. We place little, some, these words before uncountable noun. Okay class, countable noun और uncountable noun की definition हमें अच्छे से समझ आ गई. So अब हमने exercise solve करनी है, that is exercise D on page number 8. You should drink a glass of milk every day. अब जो अंडरलाइन वर्ड्स है, वी हैव टू राइट, इज इट काउंटेबल और अनकाउंटेबल. मिल्क को काउंट कर सकते हैं हम? नो, दैट इज अनकाउंटेबल एंड वी विल राइट हियर अनकाउंटेबल. आई लाइक टू हैव एन एग फॉर ब्रेकफास्ट. एग, एग इज अंडरलाइन. कैन वी काउंट एग? सो वी विल राइट काउंटेबल. हाउ मच शुगर डू यू टेक इन योर टी? शुगर इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल? You have to write uncountable. I need more time to finish my homework. Can we count time? No. So it will be an uncountable noun. We should always listen to our teacher. Teacher are countable? We bought new furniture for our house. Furniture can be counted easily. Number 7. We need more flour to bake the cookies. Flour. क्या हम कुकीज बनाने के लिए जो फ्लोर यूज करते हैं, क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं? नो, सो इट विल बी अनकाउंटेबल. लास्ट, आई लाइक लिसनिंग टू गुड म्यूजिक. कैन वी काउंट म्यूजिक? नो, सो इट विल बी अनकाउंटेबल नाउन. सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेसन फ्रॉम टुडे. यू हैव टू रिपीट एंड दिस एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 8. यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स. Countable noun, uncountable noun, rhyming words. You have to practice all the things. Okay class, see you in the next class. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.